मिशन चंद्रयान 2 ट्रेंडिंग टॉपिक है 2019 का और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप किसी भी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलोगे, फैंटास्टिक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए मिशन चंद्रयान 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर आप ये मिशन चंद्रयान 2 पे इंग्लिश में वीडियो बनाओ MCQ में, तो मैं वही वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड ऑन, फ्रेंड्स जो मिशन चंद्रयान 2 है इसे कब लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स जो पहले इसकी डेट थी वो 15 जुलाई 2019 थी, लेकिन कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आने की वजह से इसका जो डेट है, मतलब उसका जो डेट था वो 22 जुलाई 2019 को कर दिया गया, 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च कर दिया गया सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच फ्यूल इज यूज इन मिशन चंद्रयान 2 रॉकेट। फिर मिशन चंद्रयान 2 का जो रॉकेट था उसमें कौन सा फ्यूल यूज हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है UDMH, जो UDMH फ्यूल है ये मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट में यूज हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो UDMH है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजिन। यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया, UDMH का फुल फॉर्म होता है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजिन। और फ्रेंड्स इसका जो केमिकल फार्मूला है वो आपको बताना चाहिए। फ्रेंड्स इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2NnCH3 twice। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजिन का, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रयान 2 लॉन्च बाय विच पावरफुल रॉकेट। फ्रेंड्स जो चंद्रयान 2 है इसे किस पावरफुल रॉकेट को यूज करके लॉन्च किया गया, तो आंसर इसका ऑप्शन बी जो है GSLV Mark III। GSLV Mark III रॉकेट का यूज़ किया गया है चंद्रयान 2 मिशन में। और फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है GSLV, आपको GSLV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे के लिख दिया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो GSLV का फुल फॉर्म होता है, और GSLV मार्क 3 को यूज़ किया गया है चंद्रयान 2 मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च मिशन चंद्रयान 2। फ्रेंड्स वह कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया है, तो उसका सही आंसर है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स आपको ना इसरो का फुल फॉर्म बताना चाहिए। फिर इसरो का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन सी सही था आपका इसरो, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रयान 2 लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर। फिर जो चंद्रयान 2 है वो इंडिया का किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है यहाँ से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स आपको ना ये जो चंद्रयान 2 मतलब जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। फ्रेंड्स ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना ये है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ, श्रीहरिकोटा में है। और फ्रेंड्स ये श्रीहरिकोटा है ये जो इंडिया का स्टेट है आंध्र प्रदेश वहां पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 इज, फिर जो चंद्रयान 2 मिशन है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया है, मतलब टोटल खर्चा कितना आया है, तो आंसर इसका 978 करोड़ रुपीज जो है ये टोटल खर्चा है चंद्रयान मिशन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस। फिर जो चंद्रयान 2 है उसे किस जगह से लॉन्च किया गया है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए जो है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया। और फ्रेंड्स ये श्रीहरिकोटा है ये इंडिया का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका इसरो का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो है बेंगलुरु में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और मैंने आपको इसरो का फुल फॉर्म भी बता दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान टू विल बी लैंडेड एट, फिर जो चंद्रयान टू मिशन है ठीक है, इसमें जो चंद्रयान है वो कहाँ पर लैंड करेगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है ये मून पे करेगा, और मून का जो साउथ पोल है यहाँ पर चंद्रयान टू जो है लैंड करेगा। फ्रेंड देखो जो मून पर, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, मून पर मिशन भेजने वाला इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री है ठीक है, लेकिन मून के साउथ पोल पर जो मिशन भेजने वाला यानी कि जो मतलब कि मिशन करने वाला जो इंडिया है फ्रेंड्स, ये पहला कंट्री है ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय, फ्रेंड जो इंडिया का स्पेस मिनिस्ट्री है उसका हेड कौन है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए जो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडियन स्पेस मिनिस्ट्री के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान टू, मिशन चंद्रयान टू में जो दो वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए जो है एम वनीता एंड रितु करिधल जो हैं ये वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मिशन चंद्रयान टू में, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, फिर 2019 में जो प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के ये कौन है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी जो है ये के सिवन जो है ये चेयरमैन है इसरो के 2019 में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड, ताकि मुझे ये पता जाए कि जो मेरा कॉन्टेंट है आपको पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट भी मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा ठीक है फ्रेंड्स, और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिशन चंद्रयान टू इज विच नंबर ऑफ मिशन टू मून, फिर इंडिया का जो चंद्रयान टू मिशन है ये कौन से नंबर का मिशन है। तो आंसर है ये सेकंड नंबर का मिशन है, इससे पहले चंद्रयान वन मिशन भी था इंडिया का जिसने जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था ठीक है, और ये चंद्रयान टू जो है 2019 में लॉन्च किया गया है और ये सेकेंड नंबर का मिशन है मून के लिए। नेक्स्ट है व्हेन मिशन चंद्रयान वाज लॉन्च, चंद्रयान वन जो मिशन था मून के लिए इसे कब लॉन्च किया गया था। तो आंसर इसका ऑप्शन जो बी है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान वन मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन मिशन चंद्रयान वन वाज लॉन्च, फ्रेंड जब चंद्रयान वन मिशन को लॉन्च किया गया था उस टाइम इसरो के चेयरमैन कौन थे। तो आंसर इसका आपका ऑप्शन ए जो है जी माधवन नायर जो है ये इसरो के चेयरमैन थे जब चंद्रयान वन मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विच रॉकेट वाज यूज टू लॉन्च चंद्रयान वन, किस रॉकेट का यूज किया गया था चंद्रयान वन को लॉन्च करने में। तो आंसर इसका ऑप्शन बी जो है आपका PSLV C-11 जो है ये चंद्रयान वन को लॉन्च करने में रॉकेट का यूज हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो PSLV है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान टू, चंद्रयान टू का जो मेन थ्री कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर जो है ये थ्री मेन कंपोनेंट है चंद्रयान टू के। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू चंद्रयान टू लैंडर, चंद्रयान टू का जो लैंडर है उसे क्या नाम दिया गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी जो है विक्रम, जो विक्रम है यहाँ पे लिख देता हूँ विक्रम जो है ये चंद्रयान टू का जो लैंडर है उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेम गिवन टू चंद्रयान टू रोवर, चंद्रयान टू का जो कंपोनेंट है मतलब जो पार्ट है रोवर उसे क्या नाम दिया गया है। तो आंसर है इसे दिया गया है प्रज्ञान, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेम द मून मिशन ऑफ इसराइल विच वॉज फेल्ड, इसराइल का वह कौन सा मून मिशन था जो कि फेल्ड हो गया था। तो आंसर है ऑप्शन बी जो है बेरेशीट जो है ये इसराइल का मून मिशन था जो कि फेल हो गया था 2019 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, इसराइल मून मिशन बेरेशीट वाज लॉन्च्ड ऑन, तो आंसर है 22 फरवरी 2019 को जो इसराइल का मून मिशन था बेरेशीट उसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आंसर है 384,400 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स जब 30 क्वेश्चंस करवा दूंगा रिवाइज भी करवा दूंगा फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट रखा है, तो 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है ठीक है फ्रेंड्स।
स्टार्ट कर लेते हैं आगे से। आगे है हमारा टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ मून टू रीच अर्थ। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो मून से अर्थ के ऊपर लाइट आता है ना, ये मून का खुद का लाइट नहीं होता, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होता है सन का, मतलब सन का जो लाइट होता है ये रिफ्लेक्ट करके मून अर्थ पे भेजता है, ठीक है। तो इस लाइट को, मून से अर्थ पे लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी जो है 1.30 सेकंड टाइम लगता है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने टाइम लिखा है यहाँ पे, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा, वैसे जो एग्जैक्ट टाइम होता है 1.28 सेकंड होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑप्शन में 1.28 सेकंड दिया हो तो आपने यहाँ पे भी टिक, ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। वैसे राउंड ऑफ में 1.30 आपको ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। मून पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के कंपेयर में कितना है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी 1/6। मतलब अगर आपका वेट है 60 kg अर्थ के ऊपर, अगर आप मून पे जाते हो फ्रेंड्स, तो आपका जो वेट होगा वो 1/6 टाइम हो जाएगा, मतलब आपका वेट हो जाएगा 10 kg का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी जो है, मून जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो। इसरो के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी जो है, विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड, इसरो की स्थापना कब हुई थी, मतलब तो आंसर इसका ऑप्शन बी जो है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन मून। चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था, आंसर है ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मून पे अपना कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट बाय विच नील आर्मस्ट्रांग स्टेप फुट ऑन मून। मून पे जो नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा था वो किस स्पेस क्राफ्ट से रखा था, या बोलो उस मिशन को क्या कहा गया था, आंसर है अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, राइट आंसर इज सेलिनोलॉजी, यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही है, मून की स्टडी को हम सेलिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ मून पार्ट सीन फ्रॉम अर्थ। फ्रेंड देखो जो मून है उसका हम कितने परसेंट पार्ट जो है अपने अर्थ से देख सकते हैं, तो आंसर है 59%, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ मून, राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3478 किलोमीटर जो है ये मून का डायामीटर है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चंस करवाए, और मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवा दूंगा फ्रेंड्स, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस की एक बार फिर से आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। तो फ्रेंड्स पहले हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, और जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से, विच मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च्ड ऑन, राइट आंसर इज 22 जुलाई 2019। विच फ्यूल इज यूज्ड इन मिशन चंद्रयान 2 रॉकेट, राइट आंसर इज UDMH। चंद्रयान 2 लॉन्च्ड बाय विच पावरफुल रॉकेट, राइट आंसर इज GSLV Mark 3। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड मिशन चंद्रयान 2, राइट आंसर इज ऑप्शन सी इसरो। चंद्रयान 2 लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर, राइट आंसर इज ऑप्शन बी सतीश धवन स्पेस सेंटर। टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 इज, राइट आंसर इज 978 करोड़। चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड, राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेंगलुरु। चंद्रयान 2 विल बी लैंडेड एट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए मून साउथ पोल। इंडियन स्पेस मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। नेम द टू वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान 2, राइट आंसर इज एम वनीता एंड रितु करिधल। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2019, राइट आंसर इज ऑप्शन बी के सिवन। मिशन चंद्रयान 2 इज विच नंबर ऑफ मिशन टू मून, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2। व्हेन मिशन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन ए जी माधवन नायर।
विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान वन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी PSLV C11. नेम द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान टू? राइट आंसर इज ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. वॉट इज द नेम गिवन टू चंद्रयान टू लैंडर? राइट आंसर इज विक्रम. वॉट इज द नेम गिवन टू चंद्रयान टू रोवर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रज्ञान. नेम द मून मिशन ऑफ इसराइल विच वॉज फेल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेरशीट. इसराइल मून मिशन बेरशीट वॉज लॉन्च्ड ऑन? राइट आंसर इज 22 फरवरी 2019. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ? राइट आंसर इज 384400 किलोमीटर. टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ मून टू रीच अर्थ? राइट आंसर इज 1.30 सेकेंड. वॉट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ? राइट आंसर इज 1/6. नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मून. हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो? राइट आंसर इज ऑप्शन सी विक्रम साराभाई. वेन इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन मून? राइट आंसर इज ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969. What was the name of spacecraft by which Neil Armstrong stepped foot on moon? Right answer is option A, Apollo 11. Study of moon is called? Right answer is option C, selenology. How many part of moon we seen from earth? Right answer is option C, 59%. And our last question of this video, what is the diameter of moon? Right answer is 3478 kilometer. Friends, मैंने आपको ये 30 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन की मैंने आपको रिवीजन भी करवा दी. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ. जब आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको 30 क्वेश्चन की रिवीजन भी करवाऊंगा. ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन भी करवा दिया मैंने. अब मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, तो 5ों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का मिशन चंद्रयान टू लॉन्च ऑन, 4 ऑप्शन आपके पास. सेकेंड क्वेश्चन है विच फ्यूल इज यूज इन मिशन चंद्रयान टू रॉकेट, 4 ऑप्शन आपके पास. थर्ड क्वेश्चन है चंद्रयान टू लॉन्च्ड बाय विच पावरफुल रॉकेट. फोर्थ क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड मिशन चंद्रयान टू. और आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, इनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. चंद्रयान टू लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर? फ्रेंड्स इन 5ों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है. फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल का लिंक आपको जब आप यूट्यूब का चैनल वाला ऑप्शन खोलोगे प्लेलिस्ट के साइड में, ठीक है, प्लेलिस्ट के साइड में होता है, पहले यहाँ पे आता है वीडियो, फिर आता है प्लेलिस्ट, फिर आता है चैनल, फिर यहाँ पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, मैथ की चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, मेरी मोटिवेशन चैनल है उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको. ठीक है, तो आप इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए. और मैं आपको बता दूँ जो मैथ्स पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है, मतलब बेस्ट सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सभी करवा सकते सभी करवाए जा गए हैं वहाँ पे. और फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मेरे चैनल से पढ़ लिया फ्रेंड्स, ना आपको दिल्ली जाने की कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का अच्छे बेहतरीन ढंग से सभी क्वेश्चन समझाए गए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए. और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.